शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तारा, अब ठीक तो ना? मैं तो तारा कौन है? आप तारा को कैसे जानते हैं? मैंने तो भी बोला ना, तो तारा। तो इसलिए तुम्हारी बहन भी है? सिर्फ बहन नहीं, हमारी दुनिया हमारी तारा, हम उसके आप तो अच्छे से समझते हो ना, आपकी भी बहनी है। कुछ भी कर सकती हो तारा के लिए? कुछ भी, अंजाम की परवाह किए बिना अब अपनी तारा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम समझती होगी ना कि मैंने शिवानी देख लिया, जो भी किया वो क्यों किया? इतना सारा खून अपने हाथ से लेटी। छोटी कुमारी, अब तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। हमको तो ना इस बेचारी बिटिया किरण की चिंता हो रही है, अगर विक्रम ने इसको धोखा दे दिया। माद्री, ज़बान संभाल कर बात करो, तुम हमारे पोते विक्रम के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, हम विक्रम के बारे में थोड़ी ना सोच रहे हैं, हम तो उस नौकरानी के बारे में सोच रहे हैं। वैसे ना आप लोगों का लिहाज करके हमने मनोहर के मैटर में उस लड़की को ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन आप लोग बताइए ना, आप लोग खुद सोचिए कि हम लोग उस लड़की के बारे में जानते ही क्या है। लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, ये जो गरीब लड़कियां होती है ना, ये अपने रूप से अमीर लड़कों को फांस लेती हैं। बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। इस घर में हमारी औकात ही क्या है, हो सकता है आज सुबह की तरह आप सब हमको फिर से चुप करा दो, लेकिन अपने विक्रम के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम बोलेंगे और हम जरूर बोलेंगे। हाँ। मत बोलिए, मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, ये लीजिए थोड़ा सा पानी पीजिए, काम कीजिए, मम्मी मौन व्रत रख लीजिए, अपनी जबान पर मेहंदी लगा लीजिए, उससे भी अच्छा अपने मुंह में शक्कर भर लीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन कुछ बोलिए मत प्लीज। चाची जी, मुझे ना विक्रम पे पूरा भरोसा है, पर वो जहाँ भी होगा ना उस चंपा के साथ नहीं होगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बिटिया, अगर ऐसा हुआ ना तो सबसे ज्यादा खुशी इस चाची को होगी, समझ में आया? कोई है? कोई है? विक्रम बाबू, आंखें खोल के रखे, आपको ना कुछ होना ही होगा, आंखें खोल के रखे प्लीज प्लीज, हम कोशिश कर रहे हैं। मुस्कुरा क्यों रही हो? विक्रम और चंपा कहाँ है, बता क्यों नहीं देती? ए जी, भगवान के घर ना देर है अंधेर नहीं, भगवान की दया से ना वो दोनों फ्रीजर में बंद हो गए हैं। हमको दोनों ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी,
अब हम दोनों से बदला लेंगे। आप देख रहे हैं ना, पूरी फैमिली यहाँ आके इकट्ठा हो गई है। अब हम दोनों को बाहर निकालेंगे और सबको बताएंगे कि विक्रम ने उस नौकरानी का पक्ष क्यों लिया था। हम जा रहे हैं, नहीं तो दोनों की कुल्फी ना बन जाए। मरमुरा गए तो रुको, मर नहीं तो। मरने दो, इल्जाम हमारे ऊपर नहीं लगेगा। ऊपर वाले ने हमारी झोली में बहुत ही अच्छा मौका डाल दिया है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारा खून तुम अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि इस घर में डायनों की शक्तियों को बांधने के लिए बहुत से रक्षा घेरे डाले गए हैं। तुम इस केल को अपना खून दोगी तो बदले में ये कुछ देर के लिए उन बंधनों को कमजोर कर देगी और फिर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विक्रम को बचा पाओगी। पर आप है कौन और आप हमारी मदद काहे करेंगे? आपको क्या चाहिए? आजादी। तुम इस केल को अपना खून दोगी तो बदले में ये कुछ देर के लिए उन बंधनों को कमजोर कर देगी और फिर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विक्रम को बचा पाओगी। आंखें खोलिए ना प्लीज।
कोई है? भगवान खोली अलविदा। ये कैसी आवाज है? एम्बुलेंस को बुला। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मोहिनी लौट आई है। जल्दी कीजिए विक्रम, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। आप लोग यहीं रुके प्लीज, यहीं रुके। डॉक्टर प्लीज समथिंग हो जाएगा, डोंट वरी। दादी विक्रम ठीक तो हो जाएगा ना? विक्रम ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। हेलो, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे फोन रखो, हम बाद में बात करते। वो चंपा बोला ना बाद में बात करते, फोन रख अभी। वो चंपा डायल है, डायल। हेलो हेलो, अरे वो, अरे मेरी, हेलो। पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट दिए। ये जी हमको ना बहुत डर लग रहा है। सुनिए ना, अगर किसी को पता चल गया कि हमको ये मालूम था कि विक्रम और नौकरानी फ्रीजर में बंद थे तो हमारा क्या होगा? और अम्मा जी को पता चल गया ना तो वो तो हमको गंदे कपड़े की तरह धोकर निचोड़ कर धूप में पहना देंगे। अपने मुंह पर ताला लगा के रखो, पटर 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 बोलना बंद करो, कुछ नहीं होगा। विक्रम अंदर फ्रीजर के अंदर क्या कर रहा था? विक्रम हाँ, क्या करने गया था वो? जब वो मशीन में बंद हो गए तो आप हमारी मदद करने आए थे, घर से दरवाजा बंद हो गया और हम दोनों वापस गए। मेरा बेटा पहले तेरे लिए मनोहर से लड़ा, फिर अपने परिवार से, और अब मौत से लड़ रहा है। जब माधुरी तेरे खिलाफ बोल रही थी तो सबने उसे चुप कराया, पर अब लग रहा है कि वो सच कह रही थी। तू
तू चलती फिरती मुसीबत है। अब बताओ फ्रीजर में क्या करने गई थी? जिठानी जी, इस नौकरानी ने पहले ही देख लिया होगा कि विक्रम के साथ कोई नहीं है, तो बस फिर क्या था, सोची होगी अच्छा मौका है, चलो विक्रम से अकेले में बतिया लेते हैं। हम ये तो नहीं जानते कि अंदर ऐसा क्या हुआ जो विक्रम की ये हालत हो गई, लेकिन तू जान ले अगर विक्रम को कुछ हुआ ना तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। जान पूछ के बाबू की जिंदगी चौके पे काई डाले, हमें कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे, हमारी बात पर विश्वास की जुबान नहीं करना विश्वास, अब तेरी किसी बात पे विश्वास नहीं करना, भगवान के लिए मेरे बेटे और मेरे परिवार से दूर चल जा। अब चले जाएंगे, जैसे ही बाबू ठीक होंगे अब चले जाएंगे। जब तक तू रहेगी ना वहां वो ठीक नहीं होगा, और हम सब है ना उसका ध्यान रखने के लिए, उसका परिवार, उसके अपने। विक्रम को गैरों की जरूरत नहीं है, तेरा पैसा तेरे घर में भिजवा देंगे। जा तू यहाँ से, चले जा यहाँ से, चले जा। अब तुमको बाहर तक छोड़ कर आए, चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं। चाची रो तो ऐसे रही है तू, जैसे नौकरी से नहीं ससुराल से निकाला जा रहा हो। अरे ओ नौकरानी जी, काम ही तो छूट रहा है, खत्म थोड़ी ना छूट रहा जो रोए जा रही है। एलबेला, ये नौकरानी अंदर नहीं आनी चाहिए। जी चाची जी। चाची जी, चाची जी हमारी। तूने सुना नहीं चाची जी ने क्या कहा, तुझे अंदर नहीं आना है। अल्तिला जी, हम आप क्या क्या हाथ जोड़ते हैं, हम विक्रम बाबू को ये हाल में नहीं छोड़ सकते, हमें प्लीज जाने दीजिए, प्लीज हमारी बात समझिए, प्लीज। हाँ क्या लगते हैं विक्रम भैया तेरे। कुछ नहीं, नथिंग लगते हैं ना, तो चलो भागो यहाँ से और आप वापस लौट कर मत आना, बड़ी यही बकरिया कहीं की। अलबेला जी, अलबेला जी हमारी बात सुनिए प्लीज, अलबेला जी दरवाजा खोलो, अलबेला प्लीज। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? कैसा है सर? इनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं। आप कुछ कीजिए, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। विक्रम की हालत के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर साहब, हमारे पोते का बचा लीजिए, हमारे जिगर का टुकड़ा उसको ठीक कर दो। डॉक्टर साहब हमारे पोते को बचा लीजिए। विक्रम, मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा विक्रम को, छोड़ो 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 हमें। आज तक तेरे आगे सिर्फ दिए जलाए, लेकिन आज खुद को जलाएंगे। जब तक विक्रम को होश नहीं आ जाता, इस लॉ के ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाएंगे। आज जान लेते हैं कि वाकई में तो भगवान है या सिर्फ पत्थर। Thank you.
हमने तुम्हें शक्तियाँ दी, डायन बनाया इसीलिए कि तुम एक दुनिया से चली जाओ। चीची आप क्या कह रही हैं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। डायन अब अपना असली रंग दिखा रही है। एक बार मुझे पूरी तरह आजाद कर दो चंपा, बदले में जो मांगोगी मिलेगा।